हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी का टेस्ट पेपर, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन होंगे। 25 में से आप अगर 20 प्लस सही करते हैं तो आपका बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेपर उसके लिए है जो बंदा किसी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, अगर उसमें हिंदी आती है तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें एक क्या होता है ना, अपने आप की परख होती है इसमें कि हम कितने पानी में हैं, हम कितना सही कर सकते हैं। इससे पता लगेगा उसे बंदे को, उसे कितनी तैयारी भी और करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन किसका पर्यायवाची शब्द है? सिखी, शापक, विभावरी, मत्स्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य। ये जो है मत्स्य का पर्यायवाची शब्द है। दूसरा आता है कालिंदी। कालिंदी जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। तो चार ऑप्शन, चार में से आपको राइट आंसर बताना है इसका। कालिंदी जो है किसका पर्यायवाची है? तो कालिंदी जो है आपका यमुना का पर्यायवाची है। ऑप्शन फोर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द है। उत्कर्ष का विलोम बताना है आपको। इसमें क्या हो जाएगा? पतन है, अपकर्ष है, अभ्रष्ट है, विकर्ष है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, अपकर्ष। उत्कर्ष का क्या होता है विलोम? अपकर्ष होता है। नेक्स्ट है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, कर्म कारक। नेक्स्ट है, चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है? आपको बताना है चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणाम बोधक, सर्वनामिक। तो सार्वनामिक है कौन सा है आपको बताना है इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा परिणाम बोधक। चार गज मलमल मतलब कोई चीज जो है ना आपको नाप के मिल रही है, तो इसका हो जाएगा परिणाम बोधक। नेक्स्ट है, शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश का तत्सम रूप क्या है? शीशा, शीश, सिरा, शीर्षक। तो प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, शीर्ष। नेक्स्ट है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होता है? सूर्य प्रदेश उदय, सूर्य धन उदय, सूर्यो धन उदय, सूर्योदय। तो प्रश्न नंबर बताना है आपको 37 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, सूर्य धन उदय, सूर्योदय। नेक्स्ट है, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा ला बा में होता है? यण संधि, अयाधि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो किस में होता है या रा ला बा में स्वरों का परिवर्तन हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बताना है क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन वन, यण संधि। यण संधि में जो है स्वरों का परिवर्तन हो जाता है यारा लाभा में। नेक्स्ट है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या हो? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आपको इसका राइट आंसर बताना है, कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलीन। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं कुलीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? नहर, आय, लहर, बय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर, वह। वह जो है वो आपका पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? निराला,
झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, निराला। फ्रेंड आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। नेक्स्ट है, अच्छा शिक्षण होता है पूर्व ज्ञान पर आधारित, उद्देश्य पूर्ण पर, क्रिया आधारित, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, श्रव्य सामग्री नहीं है, ग्रामोफोन मॉडल, टेप रिकॉर्डर, रेडियो। तो आपको बताना है इसमें कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, मॉडल। रेडियो से सुनाई देता है, टेलीग्राफ से सुनाई देता है, ग्रामोफोन से भी सुनाई देता है सब। नेक्स्ट है, भाषा कौशल के कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3, 4। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर, चार प्रकार हैं। तो भाषा कौशल के कितने प्रकार हैं? चार प्रकार हैं। नेक्स्ट है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास, रस खान, बिहारी, मीरा। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, तुलसी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसी। नेक्स्ट है, प्रभु मेरे औगुण चिंत ना धरो, पंक्ति किसकी है? कुंभनदास, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, सूरदास की। नेक्स्ट है, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तन प्रकृति बेस, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास। अनुप्रास में क्या होता है? जिस चीज की आवृत्ति बार बार हो रही है, पा 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 पा, तो क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। नेक्स्ट है, इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है? लहरों के राजहंस, कौमुदी महोत्सव, भोर का तारा, रेशमी टाई। 48 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन वन जो है इसका राइट हो जाएगा, लहरों के राजहंस। नेक्स्ट है, 84 बैसवम की वार्ता के लेखक कौन है? 84 बैसवम की वार्ता के लेखक कौन है? चित स्वामी, गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, नंददास। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थ्री, गोकुलनाथ। गोकुलनाथ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो के प्रयुक्त छंद है। तो कौन सा छंद है? बरबे, सवैया, कवित, दोहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, कवित। नेक्स्ट है, प्रिय पति भय मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? इस पंक्ति में कौन सा स्थाई भाव है? विस्मय, क्रोध, रति, शोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, ये हो जाएगा आपका शोक। नेक्स्ट है, विभत्स रस का स्थाई भाव है निर्भेद, जुगुप्सा, विशेषोक्ति, विस्मय। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, जुगुप्सा। विभत्स का जुगुप्सा होता है। नेक्स्ट है, काल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्रिया के समय का बोध कराता है, क्रिया की पूर्णता एवं अपूर्णता का बोध कराता है, क्रिया का विकार रख है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है फ्रेंड, अनुचर का अनेकार्थी नहीं है, दूत, समूह, गुड़, गढ़। तो प्रश्न नंबर 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, गुड़। फ्रेंड जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स, और शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।